टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं गाइस, ये हाथ में आते नहीं हैं मेरे, लेकिन ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहेगी आज के दिन में। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी बहुत ही ज़्यादा फेयर मैन से डील कर रहे हैं, जो कि बहुत गोरा है या गोरी है, हो सकता है कि वो मैन हो या वुमेन हो, उसके कलर्ड हेयर हैं या आप कह सकते हैं कि ग्रे हेयर हैं। इस तरह का कोई पर्सन आपके लाइफ में आज के दिन में हो सकता है आपसे कांटेक्ट करे या आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। सेकंड जो एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की तरफ वो है, आप में से बहुत सारे लोगों की कोई विश है जो आपको यूनिवर्स की तरफ से दे दी गई है, अलाउ कर दी गई है, आपकी वो विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। अब ये कौन सी विश है ये तो आप जानते होंगे, बट बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे जिनसे कि आप समझ जाएंगे कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। लव लाइफ से रिलेटेड कुछ विशेज हो सकती हैं, प्लस लव लाइफ में डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत सारा प्यार बरसाते नज़र आएंगे आज के दिन में। ओवरऑल लव की वाइब्रेशन आपके दिल में बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको ऐसा फील होगा कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। देन वी हैव गुड लक, आज का दिन आपका बड़ा शुभ है, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें फुलफ़िल होंगी, अगर आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं तो वो विश ग्रांट होगी। ओवर एंड ऑल एक हैप्पी डे नज़र आ रहा है। दो कार्ड आना चाहते हैं, वैसे भी मैं दो लेती हूँ नीचे से बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर है, आप में से कुछ लोगों को बिजनेस में आज के दिन में किसी से बचना है, मतलब कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो ध्यान दें, किसी से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो थोड़ा फोकस्ड रहें कि वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है या नहीं है। आज के दिन बिजनेस में कोई बड़ा प्लान करने से या बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, धोखा मिल सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में आज के दिन हिडन सीक्रेट्स, या तो आपके या तो आपसे रिलेटेड या आपके पर्सन से रिलेटेड कोई हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल आज का दिन आपका अच्छा है, लेकिन जो वार्निंग थी वो मैंने आपको दे दी है। आपके पर्सन की तरफ पहला ही कार्ड है, रोमांटिक लाइफ में या बिजनेस में इनको आज के दिन में किसी तरह का ट्रिगर, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से इनको आज के दिन कुछ ट्रिगर मिलने वाला है, और इनके बिजनेस में या इनके जॉब में किसी तरह का आज के दिन इनको ट्रिगर मिल सकता है, किसी से स्ट्रेस मिल सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन अगर राइट डायरेक्शन में है तो इन्हें डिवाइन की तरफ से ये साइन दिया जाएगा कि ये राइट डायरेक्शन में है, और अगर ये रॉन्ग डायरेक्शन में है तो इनको तुरंत रोका भी जाएगा किसी तरह का, इनको हर्डल्स देकर या इनको ऑब्स्टिकल में डाल के इनको सही रास्ते की तरफ मोड़ा जाएगा, ये भी आज के दिन में नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आज के दिन में बहुत ज़्यादा खोए हुए से नज़र आएंगे, बहुत आइसोलेशन में रहना, बहुत ज़्यादा खोया खोया रहना, इनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं, यहाँ पर ये वाइब्रेशन नज़र आ रही है। तो आज के दिन आपके पर्सन का मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आज के दिन आप इनसे कुछ बोलेंगे तो हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंड करें, क्योंकि इनका दिमाग पूरी तरह से इनके बस में नहीं है। तो आज के दिन आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिश करें इनसे थोड़ा दूर रहें, कुछ ज़्यादा डिस्कशंस ना करें। फिर है, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू, आपके पर्सन के लाइफ में आज का दिन एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो है, मतलब आपके पर्सन को एनिमीज़ से ख़तरा हो सकता है, या इनके लाइफ में जो कार्मिक्स हैं वो बहुत इनको परेशान कर सकते हैं आज के दिन में। देन वी हैव, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग आज के दिन में है, बहुत दूर की सोच सोच कर परेशान होते नज़र आ रहे हैं, बहुत दूर का ओवरथिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह की वाइब्रेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और उस प्लानिंग को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं, तो ये एनर्जी आज के दिन आपके पर्सन की है। आपसे बिल्कुल कंट्रास्ट एनर्जी है, आपकी बहुत पॉजिटिव है, इनकी बहुत नेगेटिव है,
तो ये असर बहुत ज़्यादा है अगर ये इम्बैलेंस है। तो देखते हैं इसके बाद जो बड़ी रीडिंग आएगी उसमें हम देखेंगे कि क्यों इतने ज़्यादा टेंशन में हैं और किस बात के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और क्या बड़ा स्टेप लेने वाले हैं और एनिमीज से क्या इनको खतरा हो सकता है, ये भी हम देखेंगे। सो मिलते हैं बड़ी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।